अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जी। आज हम बनाएंगे जी क्लब पेस्ट्री, इसे आप चिकन पेस्ट्री भी कह सकते हैं, और वैसे इसका नाम जो है क्लब पेस्ट्री है। आज हम वो बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहली रेसिपीज़ की तरह ये भी मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और ये बहुत ही ज़्यादा मकबूल है बच्चों के अंदर। बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं और पसंद करते हैं, और बड़े भी इसे लाइक करते हैं। और ये पेस्ट्री बहुत ही मज़ेदार है जी, और कोई इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें वगैरह नहीं है। तो जल्दी से हम देखते हैं कि ये किस तरह बनती है और इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं कि पेस्ट्री किस तरह हम बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये चीज़ें जी हमारे पास जो इनके अज्जा है, ठीक है जी। सबसे पहले हमने लिया जी ब्रेड। ब्रेड मैंने बड़ी ली है, सैंडविच ब्रेड इसे कहते हैं। ये मार्केट से इजीली मिल जाएगी, इसका ब्रेड बड़ा होता है आम ब्रेड से। ये ब्रेड सैंडविच वाली है, ठीक है जी। उसके अलावा ये मैंने आधा किलो गोश्त लेकर उसे बॉयल करके उसे ये श्रेड कर लिया, ठीक है जी। इस तरह आपने बना देना है। इसके अलावा चिली सॉस है जी, दो चम्मच लेंगे इसके। दो चम्मच सोया सॉस के हम लेंगे। ये चैटर चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, ये काली मिर्च ली है जी आधा चम्मच। उसके बाद आधा चम्मच मैंने नमक लिया, आप हसबे ज़रूरत ले सकते हैं। इसके अलावा दो चम्मच मैंने मैदे का लिया, ऑल पर्पस फ्लोर जो है उसका दो चम्मच ले लिए हैं। इसके अलावा ये टमाटर लिया, इसे मैं चॉप करके छोटा छोटा रखूँगा। उसके अलावा ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये शिमला की मिर्च है, शिमला मिर्ची है। साथ में ग्रीन है, वो भी शिमला मिर्च है। इन दो कलर की मैंने शिमला मिर्च चूज़ किया। उसके अलावा ये प्याज है, मैंने चॉप करके इसमें डाले हैं, ठीक है जी। और आधा कप के करीब हमने दूध लिया है। अब देखते हैं कि हम इसे किस तरह बनाते हैं। ये आप हमने जी एक फ्राई पैन लिया, फ्राई पैन के ऊपर हमने घी डाला, घी मैंने 3 से 4 चम्मच लिया है। उसके अंदर आप ये हम सारा चिकन जो है ना वो आपने डालने लगे। ये चिकन मैंने डाल दिया, अब साथ ही हमने ये प्याज डाल देना चॉप किया हुआ। अब हम नमक डालने लगे हैं जी। अब हम काली मिर्च डालने लगे हैं। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर टमाटर डालने लगे हैं जी। अब शिमले की मिर्च डालेंगे इसके अंदर हम जी। अब ये शिमले की मिर्च जो हमने काटी हुई है, ये हमने इसके अंदर अब अपनी ऐड कर दी। ये हो गया जी। अब इसके अंदर हम अपना सोया सॉस डालेंगे जी। ये सोया सॉस है, ये थोड़ी सी सोया सॉस डाल देंगे, ठीक है। उसके अलावा ये हम थोड़ी सी ये चिली सॉस डालेंगे। ये हमने थोड़ी सी चिली सॉस डाल दी। अब ये मैदा है जी हमारे पास, अब ये मैदा मैं 2 चम्मच मैंने लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी। अब ये हो गया। अब इस जगह पर हम इसके अंदर दूध डालेंगे। अब इस पॉइंट पर ये दूध है हमारे पास, हम इसके अंदर दूध डाल देंगे आपने। अब ये हमारी जी तकरीबन ये हमारा पक गया। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा फिर हम इन्हें सैंडविच के ऊपर लगाएंगे। हमने ब्रेड ले लिया, ब्रेड के हमने इसके अंदर किनारे उतारने हैं। ये मैं ब्रेड के किनारे उतारने लगा हूँ जी। कोई तेज सी छुरी आपने ले लेनी है। ये देखें जी, इस तरह हमने सारी ब्रेड्स के किनारे उतार लेने हैं। देखें जी, ये हमारे
किनारे अब उतर गए हैं इसके ब्रेड के, और ये जो हमारा मटेरियल है ये भी ठंडा हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर इसे लगाना शुरू करूँगा। ये देखें, इस तरह आपने इसे लगा देना अपनी पूरी ब्रेड के ऊपर। ये देखें जी, ये हमारे एक स्लाइस को लग गई। अब ये स्लाइस मैं साइड पर कर दूंगा, ये दूसरा स्लाइस हमारा आ गया था। दूसरे स्लाइस को आप उसी तरह ही हम लगा लेंगे, इसी तरह सारी लगा कर दूसरे स्लाइस पर भी। ये देखें जी, ये हमारी लग गई है अब। ठीक है जी, अब इस ये एक स्लाइस है, इस स्लाइस के ऊपर हम ये अपना दूसरा स्लाइस रख देंगे, यानी कि ये एक नीचे है उसके ऊपर एक ये रख दिया, और ये जो तीसरा हमारे पास है ये हमने वैसे ही ऊपर इस तरह रख दिया। अब ये तीन लेयर बन गई हमारे पास, इस तरह हो जाएंगी तीन लेयरें, लेयर हमारे पास हो जाएंगे। ये हमने इस तरह कर दिया। अब करने के बाद आप एक तेज़ छुरी के साथ इसको इस तरह सेंटर में से, ये सेंटर में से इसे हमने इस तरह दो कर लिया। दो होने के बाद ये देखें, ये एक लेयर बन गई, एक लेयर हमारे पास ये बन गई। अब ये बन गई, अब हम अपना अंडा फेंटेंगे, अंडा फेंट कर इसके ऊपर लगाएंगे। खुला बर्तन लिया और ये दो अंडे लिए हैं। खुला बर्तन मैंने खुद इस्तेमाल किया, क्योंकि स्लाइस बड़े हैं तो वो इसमें अच्छे से डिप हो जाएंगे। एक ये तब साथ पड़ा, अगर जरूरत पड़ी तो हम साथ में तोड़ लेंगे। अब ये देखें जी, इस तरह लगाना साइडों पर, ज़्यादा ज़ोर इसके साइड वाले जो है ना। अब ये तवा लिया, तवे के ऊपर अब इसी तरह आप साइड वाले किनारे करेंगे। कलर ये जो आ रहा है कलर हमने बस इतना ही रखना है, इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन वगैरह नहीं करना। अभी अंडा लगा होगा तो आप बेफिक्र रहिएगा, ये खुलते नहीं। अब ये हमारा तैयार हो गया, अब हम इसे उतार कर रखने लगे। अब अगला हम करेंगे, अब इसी तरह हम अपने सारे तैयार कर लेंगे। अब ये देखें जी, ये हमारा तैयार हो गया। अब मैंने मोज़रेला और चैटर चीज़ दोनों चीज़ें ले ली। अब मैं इसके ऊपर इस तरह चीज़ रखता जाऊंगा। चीज़ रखने के बाद सेंटर में ये रेड कलर का शिमला मिर्च, यहाँ पर ग्रीन कलर का, यहाँ भी ग्रीन कलर की, थोड़ी सी मोज़रेला इसके ऊपर, थोड़ी सी मोज़रेला। एक्चुअली ये जमी हुई है तो वो गिर रही है, ये हो गया। अब इसी तरह अगले के ऊपर ये मैं लगाऊंगा चैटर चीज, ये चीज इस तरह आ गई जी, इसके ऊपर आ गई अब ग्रीन, इधर इधर भी ग्रीन और रेड इसके सेंटर में, और इधर भी हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज भी कर देंगे। चीज़ आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मेरे पास ये जमी हुई थी इसलिए इस तरह अब मैं सारी की सारी बना दूंगा। ये देखें जी, अब हमारा ये तैयार हो गया। क्या इसके ऊपर अब मैंने चीज़ वगैरह सारी डाल दी है, अब इसे हम बेक करेंगे। बेक हमने करना है 2 से 3 मिनट, सिर्फ ये ऊपर से मेल्ट होगी और हमारा तैयार। अब ये देखें जी, ये मैंने ओवन को पहले प्रीहीट कर लिया। अब ये हमारे ओवन ट्रे पर लग गए हैं, इसे मैंने बस 3 से 4 मिनट बेक करना ताकि ऊपर वाली जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। अब
जैसे ही ये मेल्ट होगी हमारा ये तैयार हो जाएगा। ये देखें जी अब ये कंप्लीट हो गया, तकरीबन ये कुक हो चुका है। ये देखें कैसा ज़बरदस्त इसका कलर आया सारा कुछ। अब ये देखें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी रेसिपी ये पसंद आई होगी, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार, बच्चों को ख़ास तौर पर बहुत ही पसंद है। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। लेकिन जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है ताकि आपको मेरी नई लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।